नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों, आप सभी की जो वार्षिक मुख्य परीक्षाएं प्राइवेट, रेगुलर और बैक पेपर आदि की चल रही है, उनके संबंधी जो है वह एक अपडेट जारी किया गया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की तरफ से। जैसा आप सभी को पता है कि 15 मार्च को आपकी परीक्षा शुरू हुई थी और जो आपकी 15 मई तक चलने वाली थी, उन परीक्षा में जो है थोड़ा सा बदलाव जो है किया गया है, और बदलाव किस कारण किया गया है वो भी यहाँ पर आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, संशोधित तो जो आपका परीक्षा कार्यक्रम है वो आपको जारी कर दिया गया है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दोस्तों 11, 13 और 4 तारीख की जो परीक्षा है आपकी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि उस समय आपका जो नगर निकाय चुनाव है वो बीच में आ रहा है। यानी कि 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम भी है, नगर निकाय का चुनाव भी है, 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, नगर निकाय चुनाव की वोटिंग की गिनती है, और 4 तारीख को आपका चुनाव है, उस दिन भी आपका जो है पेपर है, तो उस डेट में भी जो है बदलाव किया गया है। हालांकि 5-6 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि भाई 1-2 दिन में आने वाला है, 2-4 दिन से लगातार जो है नहीं आया। छात्र पूछ भी रहे थे क्यों नहीं आया, कोई अपडेट बता दीजिए। देखिए, जैसे ही आज अपडेट आया मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ, तो इस कारण इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका भी 11, 4 और 13 तारीख को परीक्षा होने वाला है, उनके साथ तो शेयर कीजिए, और साथ ही अन्य सभी छात्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उसमें थोड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, 28/4/2023 आज ही के दिन नोटिस निकाला गया और संशोधित ऊपर ही लिखा गया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम, और लिखा गया कि सत्र 2022-23 की मुख्य परीक्षा 2023 संस्थागत एवं व्यक्तिगत भूतपूर्व छात्र परीक्षा उन्नयन श्रेणी की जो परीक्षा आपकी चल रही है, वह बैक पेपर की जो परीक्षा 2022 के छात्रों की है वो संचालित हो रही है, और जो उनकी तिथियाँ उनमें थोड़ा संशोधन किया गया है। और जो संशोधित वेबसाइट जो संशोधित डेटशीट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, और इसको अपने स्तर पर अपने छात्रों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और ऊपर कुछ पढ़ने लायक नहीं है, कुछ पढ़ने लायक होता तो मैं आप लोगों को अवश्य बताता, उसमें फॉर्मेलिटीज जो है वो दी गई है। अब बात आते हैं, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 आपकी डेटशीट, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ एनुअल स्कीम ऑफ रेगुलर एंड प्राइवेट एग्जामिनेशन 2023, इसमें बैक और एक्स का भी जो है सेम डेट में रहने वाला है, जैसा आप सभी को पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 3 तारीख की जो आपकी परीक्षा थी वो 23 तारीख में कर दी गई है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे तो इस बार थोड़ा लेआउट चेंज हो के आया है। पहले आपकी ओनली डेट होती थी, लेकिन इस बार ओल्ड डेट और न्यू डेट दोनों डेट आपकी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा समझने वाली बात है, आप इसको समझेंगे। देखिए, तीनों शिफ्ट का यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्टों की जो डेट है उसमें बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, 3 मई दिन बुधवार को आपकी जो परीक्षा होनी थी वो परीक्षा आपकी अब 23 मई 2023 को होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो परीक्षा 4 मई को होनी थी वो आपकी 24 मई 2023 को होने वाली है, चाहे वो आपकी फर्स्ट ईयर की हो, चाहे आपकी थर्ड ईयर की हो, चाहे आपकी सेकेंड ईयर की हो। उसके बाद आपकी 6 मई 2023 दिन शनिवार को होने वाली परीक्षा 25 मई 2023 को कराई जाएगी, 8 मई को होने वाली परीक्षा 26 मई को कराई जाएगी, और 9 मई को होने वाली परीक्षा आपकी 27 मई में कराई जाएगी, 11 मई को होने वाली परीक्षा आपकी 29 मई को कराई जाएगी, और 12 मई को होने वाली परीक्षा आपकी 30 मई को करवाई जाएगी। साथ ही यहाँ पर 13 मई को होने वाली परीक्षा 31 मई को आपकी कराई जाएगी। इसमें बीए और बीएससी के छात्रों का अधिकतर जो है पाठ्यक्रम है, बीकॉम के छात्रों की जो परीक्षा वो संपन्न हो चुकी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, और ना ही बीकॉम के संबंधी यहाँ पर कोई अपडेट दिया गया है। उसके साथ ही देखिए, यहाँ पर 3 मई को जो आपकी परीक्षा होनी है वो 23 मई को होने वाली है, उसके साथ ही आपकी 4 मई को 24 तारीख में, 6 मई को 25 तारीख में, 9 मई को 27 मई में, इस प्रकार से यहाँ पर होने वाली है। लेकिन देखिए, ऊपर एक बात दी गई है कि एनुअल स्कीम ऑफ रेगुलर एंड प्राइवेट एग्जामिनेशन, और नीचे वाले पेज पर दिया गया है कि एनुअल स्कीम ऑफ यूजी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फॉर एक्स एंड बैक पेपर एग्जामिनेशन। तो देखिए, ये आपके रेगुलर प्राइवेट वालों के, जो एक्चुअल में आप जिस वर्ष में हैं, फर्स्ट ईयर वालों का, सेकेंड ईयर वालों का और थर्ड ईयर वालों का, ये ऊपर वालों के लिए दिया गया है। लेकिन जो नीचे यहाँ पर देखिए, जिसमें मेंशन अलग से किया गया है कि एक्स एंड बैक पेपर एग्जामिनेशन, ये आपके एक्स और बैक वालों के लिए डेट दी गई है। तो यहाँ पर ये भी एक बार अपने को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 3 मई को आपका जो परीक्षा होने वाला है बीएससी केमिस्ट्री का, वो आपका 23 तारीख में होने वाला है, उसके साथ ही 4 मई को होने वाला है बीए का, उसके साथ ही आपका वो परीक्षा अब आपका होने वाला है 4 मई को,
24 मई को, और यहाँ पर 6 मई का परीक्षा आपका 25 मई को होने वाला है, और 9 मई का परीक्षा आपका 27 मई को होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था आप लोगों को बताने के लिए कि आपकी डेट शीट जो है बदल चुकी है। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही डेट शीट आएगी आप लोगों को अपडेट उपलब्ध करवा दूंगा, और काफी लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि दोस्त कि सर 1 तारीख से लेकर 15 तारीख की समस्त परीक्षाएं स्थगित हो रही है, तो उन छात्रों ने बिल्कुल सही कहा था। हालांकि मैंने उस समय उन्हें मना किया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, 1 तारीख से 15 तारीख तक लगातार आपकी परीक्षा कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई कारण ही नहीं बनता है। देखिए चुनाव वाली तिथि पर तो हम मानते हैं कि चुनाव के कारण जो है कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इस कारण जो है सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है कि भाई 4 तारीख में चुनाव है, 11 तारीख में चुनाव है और 13 तारीख में वोटिंग की गिनती है, तो उस तारीख में तो आपकी अवकाश होना स्वाभाविक है। लेकिन 1 तारीख से 15 तारीख तक हो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन आज की डेट शीट देखकर ये जो है साफ हो चुका है कि अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 23 मई के बाद ही कराई जाएगी। 3 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, वे सभी परीक्षाएं आपकी 23 तारीख के बाद कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों के लिए वीडियो इंपोर्टेंट हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के रिजल्ट भी जो है वो आने वाले हैं, और रिजल्ट कब आएगा उसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है, कैसे डाउनलोड करना है वो सभी भी जानकारी आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं समय समय पर। तो दोस्तों इस कारण आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट का कोई भी अपडेट आएगा हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।